गुज़िश्ता रोज़ सिंध के अंदर कल्चरल डे सेलिब्रेट किया गया, बड़े ही जानदार बड़े ही शानदार मनाजिर देखे गए इस हवाले से सिंध के अंदर जो कल्चरल डे सेलिब्रेट किया गया। लेकिन जब ये कल्चरल डे सेलिब्रेट हो रहा था सिंध के अंदर एक रंज की कैफियत भी थी। वजह दादू के इलाके वाही पांधी में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया था जिसमें एक छोटी सी बच्ची 12 साल बच्ची गुल समा को संसार करने का फैसला सामने आया। करतारपुर में मौजूद हैं, 5 साल से वो यहीं पे हूँ। मुझे हैरान की है अगर वो 5 साल से वहाँ था। साहब गिरफ्तार हुई सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उसका वजीर आजम मुल्क में इंसाफ कायम करता है। जिरगे ने फैसला किया, फैसला ये सामने आया स्याहकारी का इल्ज़ाम एक छोटी सी बच्ची 12 साल बच्ची पर स्याहकारी का इल्ज़ाम जिसके नतीजे में संसार करने का फैसला सामने आया। सोशल मीडिया पे ये खबर ब्रेक हुई। सोशल मीडिया की खबर ब्रेक होने के बाद सिंध की सिविल सोसाइटी ने बड़ा शदीद रद्दअमल दिखाया। दादू पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दादू पुलिस ने 9 मुलजमों के खिलाफ FIR दर्ज की है। दादू पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उनकी ख्वाहिश है दादू पुलिस की कि मेडिकल बोर्ड बैठे, मेडिकल बोर्ड देखे कि असल में संसार किया गया या कोई और वजह पोस्टमार्टम में सामने आती है। लेकिन दादू पुलिस ने गुल समा छोटी सी बच्ची के वालदेन को भी कस्टडी में लिया, उनका बयान रिकॉर्ड किया। वालदेन का ये ख्याल है कि बच्ची जो है वो कत्ल उनका नहीं हुआ बल्कि वो अपनी सहेली के साथ खेल रही थी तो पहाड़ी तोड़ा करने के नतीजे में वो इस हादसे का शिकार हुई है। अभी तक की जो सूरत हाल है वहाँ पर सिविल सोसाइटी बड़ा शदीद रद्दअमल दिखा रही है। ये सिविल सोसाइटी इतना बड़ा शदीद रद्दअमल क्यों दिखा रही है? बुनियादी वजह ये है कि गुलसमा के इस छोटी सी बच्ची के वाक़े से पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात यहाँ पर सिंध के अंदर हो चुके हैं। अगर आप घोटकी में जाकर देखें कि मंदिर का वाक़या जो वहाँ पे आया कि मंदिर को तोड़ा गया, वहाँ पर भी शदीद रद्दअमल सामने आया सिंध की सिविल सोसाइटी की तरफ से। बिल्कुल एक अचानक किसी ने कोई बयान दे दिया, किसी ने कोई बात कर दी और उस बात कहने पे सिर्फ बात कहने पे कोई कानून साजी यानी कोई कानून की अमलदारी वहाँ देखने में नहीं आई। लोग गए और मंदिर तोड़ के वहाँ से चले गए। वहाँ पर भी सिंध की सिविल सोसाइटी ने बड़ा शदीद रद्दअमल दिखाया। वहाँ पे पहुँचे सिंध के हर शहर से लोग वहाँ पे जाके इजहार यकजहती किया, मंदिर के सामने जाके पहुँचे, मंदिर के अंदर गए। और घोटकी के बाद के वाक़यात को आप देखें कि मांझी फ़कीर सिंध के बड़े ही नामवर सूफी सिंगर हैं। मांझी फ़कीर जो कि सांगढ़ का एक इलाका है, शादातपुर और नवाब शाह के लिंक रोड पे ये एक शहर है मांझी फ़कीर जहाँ पे ये रहते हैं, बड़े ही नामवर सूफी सिंगर हैं। उनके भतीजे पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने वॉल पे ऐसी कोई चीज़ रखी है जो कि पसंद नहीं आई, इल्ज़ाम लगाया गया उनके ऊपर और बाद में लोग उनके आस्थाने पे पहुँचे, उनकी तोड़फोड़ कर डाली और ऐसी तोड़फोड़ की गई कि वहाँ पर शदीद रद्दअमल सिंध की सिविल सोसाइटी का सामने आया। आज तक अभी तक लोग जो हैं सिंध के लिखारी, सिंध के सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, सिंध के सूफी सिंगर वहाँ पे पहुँच रहे हैं और अभी तक मांझी फ़कीर के साथ, मांझन फ़कीर के साथ सिंध के बड़े नामवर सिंगर हैं, वो सूफी सिंगर हैं जहाँ पे हमला किया गया, उनके आस्थाने पे हमला किया गया। तो सिंध की सिविल सोसाइटी ने बड़ा रद्दअमल दिखाया। यहाँ लाड़काना के अंदर चांडका मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर निमरता का केस भी उसकी एक मिसाल दी जा सकती है कि वो केस भी असल में वर्षा से ज़्यादा सिंध की सिविल सोसाइटी ने अपने हाथों में लिया। सिंध की सिविल सोसाइटी इस वक्त क्यों इतना एहतजाज करते हुए नज़र आ रही है? बुनियादी वजह ये है कि सिंध का जो तारुफ है, जो असली सिंध का तारुफ है, वो है लाल शाहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और सज्जन सरमस्त की सिंध का, जहाँ पर कहीं पर भी मंदिर को तोड़ने, कहीं पर भी कोई सूफी सिंगर पे हमला करने या छोटी सी बच्ची को संसार करने जैसे वाक़यात कहीं पर भी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मैसेज में, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के पैगाम में नहीं है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का पैगाम जो है, जैसे शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साहब ने कहा है कि आलम सब आबाद करें, मकसद कि पूरी दुनिया यानी सिंध या सिर्फ सिंध के रहने वाले नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो इंसानियत है, पूरी दुनिया की इंसानियत को आबाद करने की दुआ है। तो ये जो अवामिल हैं, ये जो इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, ये सिंध के तारुफ से कंट्राडिक्ट हैं, सिंध के तारुफ से बिल्कुल बरक्स हैं, जिसकी वजह से सिंध की सिविल सोसाइटी शदीद रद्दअमल दिखा रही है। सिंध की सिविल सोसाइटी का बुनियादी मकसद, बुनियादी मुतालबा यही
रही है कि सिंध को ऐसा बनाया जाए जो कि शाहदौलती भिटाई की सिंध है, और जो शाहदौलती भिटाई के पैगाम को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं उनकी राह में जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जाए, कानून साजी हो, कानून पे अमलदारी हो, जिसका मुतालबा सिंध की सिविल सोसाइटी कर रही है।